नमस्कार सुप्रभात आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 25 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे हमारे नित्य दिनचर्या के भोजन के एक छोटे से लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भाग के बारे में वो महत्वपूर्ण भाग है हमारे भोजन के मसालों का एक छोटा सा भाग यानी कि जायफल तो देखिए आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ जायफल के बारे में हम सभी ने जायफल को जो है वो अपने घरों में रह, मसालों के रूप में यूज़ किया है स्पेशली गरम मसाले में या बहुत सारी और जो हम व्यंजन बनाते हैं घर में डिशेस बनाते हैं उसमें हम जायफल का प्रयोग करते हैं इसे फ्लेवर के रूप में भी यूज़ किया जाता है लेकिन आ, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहद अधिक महत्वपूर्ण है तो आज हम जानेंगे कि घर में हमारे मसालों के रूप में होने वाला एक छोटा सा भाग यानी कि जायफल हमारे लिए एक मेडिसिन के रूप में किस तरीके से काम आ सकता है तो चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं इस जायफल के गुणों के बारे में यानी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो जायफल होता है इसे जो है इंग्लिश में नटमैक भी कहते हैं और इसका जो लैटिन या बॉटनिकल नेम होता है वो होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इसे अगर इसके गुण देखे जाएं तो ये लघु होता है हल्का होता है उष्ण वीर होता है यानी कि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होता है और अग्निदीपक होता है यानी डाइजेस्टिव फायर को यानी हमारी भूख को ये बढ़ाता है इसका सेवन करने से हमारी भूख बढ़ती है इस तरीके से ये के केस में भी बहुत अधिक अच्छा काम करता है कफ वात शामक होता है यानी कि कफ और वात दोष से होने वाली जो विकार होते हैं उनका शमन करने में ये बहुत अधिक कारगर होता है और बात का अनुलोमन करता है तो देखिए मैं इसी इनकी इस प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ही इसके मेडिसिनल यूजर्स का जो है वो यूजर्स डिसाइड होते हैं तो चलिए आइए जानते हैं इन सब इसके मेडिसिनल यूजर्स के बारे में क्योंकि ये जो है वो अग्नि का दीपन करता है और उष्णवीर होता है इसीलिए ये जो है आ, बहुत सारे एबडामिनल डिसऑर्डर्स यानी उधर रोगों में पेट के रोगों में बहुत अधिक कारगर होता है स्पेशली इन डायजेशन के कंडीशन में यहाँ पर इनडाइजेशन हो गया हो खाने से अजीर्ण हुआ हो उसमें अग्नि अग्निमांड हुआ हो भूख नहीं लगती हो उसमें क्योंकि ये अग्नि दीपक होता है अग्नि को बढ़ाता है अति सार यानी डायरिया की कंडीशन में जी मिचलाता हो नोजिया होता हो उसमें या वॉमिटिंग होती हो उस कंडीशन में जो है या फिर नींद ना आती हो उस कंडीशन में भी नींद ना आने की कंडीशन में भी जायफल बहुत अधिक कारगर होता है तो अगर ऐसी किसी को प्रॉब्लम है तो वो जायफल का सेवन स्टार्ट कर ले तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा जल्दी ही मिल जाएगा आ, इसके साथ साथ अगर किसी को एब्डोमिनल पेन होता है उधर में पेट में दर, दर्द हो रहा है या डायरिया हो गया है या फिर बच्चों का जो आम अतिसार होता है उस कंडीशन में इसे भून कर दिया जाता है तो ये बेहद अधिक फ़ायदेमंद होता है जायफल और जब इन डाइजेशन कंडीशन में प्यास बहुत अधिक लगती है या फिर वॉमिटिंग होने लग जाती है कि मतलब हमने रात में कुछ हैवी खा लिया और हमें इनडाइजेशन होने लगा तो वॉमिटिंग रही है या बहुत प्यास लगती है तो उस कंडीशन में इसका जो है वो हिम बनाकर मतलब ठंडे रूप में इसे पानी में डालकर देने से लाभदायक होता है साथ ही साथ हेडे की कंडीशन में शरा शुलडे की कंडीशन में या फिर नाड़ी शूल जो नसों में दर्द होता है लोगों के या फिर लेबर पेन की कंडीशन में भी ये इसको जल में घिस कर दिया जाता है तो ये बेहद फ़ायदेमंद होता है इसके साथ साथ ही जो जायफल का तेल होता है उसे जब ऑलिव ऑयल में मिला देते हैं जायफल के तेल को जैतून के तेल के साथ मिलाकर जो क्रॉनिक ऑस्टिर्थ्राइटिस हो जाते हैं यहाँ पे जहाँ ज्वाइंट्स में स्वेलिंग होती है बहुत लंबे समय से लोगों को वहाँ पर या मोच में इसकी मालिश करने से बहुत फ़ायदा होता है तो करना क्या है अगर किसी को घर में मोच आ जाए या फिर पुराना कोई ज्वाइंट्स में स्वेलिंग हो रही हो तो उस कंडीशन में आप जायफल के तेल को ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर इसकी मसाज करने से बेहद फ़ायदा होगा ये तो हमने बात की है आपसे क्लासिकल मेडिसिन यूजेस के इसके अलावा इसके कुछ अनुभूत योग भी हैं जो मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों में अप्लाई करके देखे हैं और ख़ुद पे भी अप्लाई किया है जो मैं आपके संग जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी तो उनमें से सबसे कारगर ये है कि अगर घर में किसी को भी फ़ीवर आ रहा हो और आजकल लोग कोविड के टाइम में बहुत डरते हैं फ़ीवर से कि उन्हें फीवर आ गया तो डर लगने लगते है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड नाइन्टीन का इन्फेक्शन हो गया और लोग बताने से भी एक दूसरे को डरते हैं तो या फिर अक्सर मौसम ऋतु संधि पर यानी कि मौसम जब चेंज होता है तो लोगों को बुखार आ जाता है वायरल हो जाता है हम जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो बेहतर है आप जहाँ कॉम्बी फ्लेम का यूज़ कर रहे हैं पैरासीटामोल का यूज़ कर रहे हैं आपके लिए उन सबसे ज़्यादा बढ़िया ज्वर के लिए रामबाण दवा है ये जयफल कुछ नहीं करना है एक कप पानी लीजिए उसमें चुटकी भर जायफल को घिस के डाल दीजिए और अच्छे से उबलने दीजिए जब ये उबल जाए तो इसे छान कर ऐसे ही या फिर आधा चम्मच शहद मिलाकर अगर आपके पास प्योर वाला है तो वो मिलाकर आप इसे ले लीजिए आपको शीघ्र ही शीघ्र आराम मिल जाएगा फ़ीवर में आप ऐसा दिन में दो से तीन बार भी कर सकते हैं आप दिन में अगर दो से तीन बार भी जैफल का पानी इस तरह से बना कर ले लेते हैं तो आप देखिए आपको किसी कॉम्बी फ्लेम की या पैरासीटामोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो एक तो फीवर की कंडीशन में दूसरा क्योंकि हमने ये बताया था आपको शुरुआत में इसकी गुड़ों में कि ये कफ़ व शामक होता है कफज रोगों में बहुत अच्छा काम करता है इसीलिए गले के रोगों में जहाँ पे अक्सर जो है वो थ्रोट इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमें अक्सर खांसी की प्रॉब्लम या जुकाम होने लगता है जुकाम खांसी या जो श्वास की दिक्कत हो रही होती हैं उनमें भी जायफल बहुत अधिक कारगर होता है कुछ नहीं करना है सेम तरीका है जैसा मैंने ज्वर में बताया था आपको एक चुटकी जायफल को घिस के जो है उसमें डालना है एक कप पानी में उबालना है और इसे बाद में आप गुड़ डालकर भी ले सकते हैं या फिर शहद डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं तो ये जो आपके गले के विकार होते हैं थ्रोट इन्फेक्शन्स हो गए होते हैं हमें अक्सर ही वेदर चेंज पर कोल्ड फीवर होने लगता है और कई बार ऐसा भी होता है कि हम पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेते हैं और बहुत सारे लोग और वो करने के बाद भी हमारा कहीं ना कहीं हल्का सा कोल्ड रह जाता है या गले में खराश रह जाती है तो मैं कहूँगी कि एक बार आप पीस का कर इस्तेमाल करके देखिए आपको कितनी जल्दी फायदा होता है तो यहाँ आज हमने जाना एक छोटे से जायफल के बारे में जो हमारे घर में अक्सर मिल जाता है रखा भी रहता है बट हमें नहीं पता होता कि बहुत सारी कंडीशन में ये कितना अच्छा काम करेगा तो इसके आप गुणों को जानिए औषधि उपयोग को जानिए हमारे साथ में और मैं फिर से कहती हूँ आप सबसे जैसे मैं रोज़ कहती हूँ कि आप सभी जो है वो हमारे सुविचार के दिनचर्या की श्रृंखला से जुड़े रहिए और अपनी दिनचर्या को बदलिए और साथ ही साथ स्वस्थ रहिए